किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को संभालना घर चलाने जैसा होता है। घर को चलाने के लिए आपको आपकी आमदनी को सही तरह से मैनेज करना जरूरी है। कितना खर्च कर रहे हैं और कितनी बचत कर रहे हैं, जिससे आप अपने भविष्य के खर्चों को चला पाएंगे। उसी तरह से देश की अर्थव्यवस्था को भी संभालने के लिए सरकार को अपने खर्चों और अपने रेवेन्यू का सही तरह से बैलेंस बनाना जरूरी है। मौजूदा दौर में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है। यहाँ तक कि बीते साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी GDP को गिरते हुए दिखाया था। अर्थव्यवस्था की समस्याएं 2004 से 2009 तक जब पूरी दुनिया में विकास हो रहा था, तब हमारी इकोनॉमी भी काफी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ी। लेकिन उसके बाद सरकार को जो कदम उठाने चाहिए तो वो नहीं उठाए गए। जैसे 2014-15 में जब कच्चे तेल का भाव गिरा था और जब बैंक के NPA का स्तर बहुत ऊपर था, तब सरकार को बैड लोन बैंक तैयार करना चाहिए था। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमारे देश का रैंक अच्छी है, लेकिन ये सिर्फ दो ही शहरों के आंकड़ों को ही दिखाता है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में शिक्षा और संस्थानों को बड़ा हाथ होता है और उस दिशा में काफी कम काम हुआ है। GDP गिरने के नुकसान। किसी भी अर्थव्यवस्था में GDP की गणना दो तरह से होती है। एक तरह की GDP में महंगाई दर शामिल होती है और दूसरे में नहीं होती। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट 8%, दूसरी तिमाही में 7%, तीसरी तिमाही में 6.6% और चौथी तिमाही में 5.8% पर थी। इसके बाद वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP गिरकर 5% पर आ गई थी। अब पिछली तिमाही में GDP की असल विकास दर पिछले साल की विकास दर से कम है, लेकिन महंगाई दर के साथ निकाली गई GDP की दर पिछले साल की असल GDP से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप GDP में महंगाई दर को भी शामिल कर लेंगे, तब भी वो पिछले साल से कम है और ये हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। क्या ये वैश्विक मंदी का असर है? वैसे तो दुनिया के अलग अलग देशों में एक तरह की अस्थिरता बनी हुई है। जैसे ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के कारण की वजह से उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर के हालात हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से वैश्विक मंदी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले दो सालों में वैश्विक बाजारों में तो निर्यात बढ़ा है, लेकिन भारत में निर्यात की स्थिति जस की तस है। ऐसे में हमारे देश के इकोनॉमिक स्लोडाउन के लिए ग्लोबल रिसेशन को जिम्मेदार बताना केवल जनता को सहानुभूति देने के लिए ही है। UPA सरकार और मोदी सरकार में फर्क। आंकड़े बताते हैं कि GDP में गिरावट UPA सरकार के दौर में ही शुरू हो गई थी। जहां UPA के पहले कार्यकाल में GDP ग्रोथ रेट 9.57% दर्ज की गई थी, वहीं UPA के दूसरे कार्यकाल के वित्त वर्ष 2013 में देश की GDP 4.96% दर्ज की गई थी। मतलब GDP में गिरावट का दौर 2013 में शुरू हुआ तो अब तक जारी है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक देश की जो बचत है, अगर वो 30% से नीचे आ जाती है तो विकास दर अपने आप नीचे आने लगता है। इसके साथ ही निर्यात कम होने से भी विकास दर कम हो जाती है। ऐसे में मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कई योजनाएं शुरू की, जिनकी वजह से सरकार का खर्च बढ़ गया। अगर पिछले 10 साल का आंकड़ा उठाएं, तो केंद्र और राज्य सरकारों का खर्चा 20 लाख करोड़ से बढ़कर 52 लाख करोड़ रुपया हो गया है। ऐसे में सरकार को अपने खर्च के साथ अपने राजस्व पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा दौर में अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों के बीच एक अस्थिरता माहौल बना हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।